गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम जो है अपनी क्लास में क्लास हमारी यूकेजी, और जिसमें आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो आप जानते ही हैं कि वो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी। ओके, जिसको हम अपनी मातृभाषा के नाम से जानते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हिंदी को पढ़ना, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी। और आप हिंदी, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि हम हिंदी सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं तो हमें सब्जेक्ट का नाम दिया होगा। अब आप लोगों ने काफी मात्राओं को पढ़ लिया है, स्वर की जो मात्रा है तो आप पढ़ चुके हो। ओके, और उन मात्राओं से आप जो है आज अपने सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो, क्योंकि आपने बिना मात्रा वाले शब्द भी पढ़े, मात्राओं में आ की मात्रा वाले, ई की मात्रा, की की मात्रा उ, और आप जो आप पढ़ने वाले हैं वो है उ की मात्रा। तो उ की मात्रा अब आप समझ ही आए होंगे कि उ की मात्रा कैसी होगी, ठीक है। और दूसरी बात, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हम हिंदी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे देखते हैं। हिंदी आप ई की मात्रा बनेगी तो आप क्या करोगे, ही, ना, आधा, ना, दी, मतलब दामे, ई की मात्रा क्या करेंगे हम, हिंदी। ओके, आज आपने अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना भी आपने क्या किया, नाम लिखना भी आपने सीखा। ओके, तो अब आप समझ गए ना हिंदी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिंदी सब्जेक्ट क्लास कौन सी है आपकी, यूकेजी। तो यूकेजी क्लास में आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो हिंदी जो सब्जेक्ट है अब आपने उसका हिंदी में लिखना भी आपने सीखा कि हिंदी हम कैसे लिखते। ओके, और अपना नाम, आपका जो भी नाम है उसमें कौन सी मात्रा रखती है आपको ये भी सीखना। जैसे मेरा नाम सूर्या है, ठीक है, एक पा में उसकी मात्रा रखती तो आप जुड़े से बने उ जा, ठीक है, उ जा, जा। और जब उ जो से हम उच्चारण करते हैं तो कौन सी मात्रा आती, उ जो से, जैसे आप की और की को पढ़ते, क्या कहते हो, की और की को पढ़ते हो, तो वैसे ही यहाँ पर उ जिसको आप बोलते हो छोटा उ उसकी मात्रा ये, और ये बड़ा, ठीक है। बड़े को जब हम उच्चारण करते हैं तो हम उसका उच्चारण जो है कैसे पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं। जैसे उ, तो आप जिसका नाम पूजा है उ, बड़े उसकी मात्रा उ, या में आपकी मात्रा, ये हो गया पूजा। समझ में आया, अब आपको उ की मात्रा जो है उसको हम लगाएंगे तो उसका हम उच्चारण कैसे करेंगे। ओके, अब आपको जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है चित्र बने हुए हैं, और चित्र देखकर थोड़ा सा आपको डिसीजन करना है कि आप उनकी मात्रा को कैसे पढ़ेंगे। ओके, ओके, अब आपको क्या करना है, चित्र देखकर आपको यहाँ पर समझना भी है उनकी मात्रा हम कैसे लगाते हैं। ओके, के बाद आप
जो है उसकी मात्रा को लगाकर देखेंगे कि उनकी मात्रा को हम कैसे लगाते हैं। ओके यहाँ पर ये जो चित्र बने हुए हैं इन्हें आपको लिखना ही है और को चित्र देखकर पहले को होता है उसका उच्चारण जो है कैसे करते हैं क्या करना है चित्र देखकर आपको बताना है
आपको चित्र देखकर इनके नाम जो है क्या कर रहे हैं, इन चित्रों को आप देखिए और आप जब इनका उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि इनका जो हम उच्चारण करते हैं वो हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर जो मात्राएं लगती हैं, अब आपको समझाया भी गया था कि व्यंजन अक्षरों में जब हम मात्राएं लगाते हैं तो हम उनका उच्चारण हम करते हैं। सबसे पहले जैसे आप ता में ऊ की मात्रा को लगाते हैं तो आप क्या पर ऊ की मात्रा को लगाएंगे तो क्या पड़ेंगे, ऊ, ओके। खा में आप मात्रा को ऊ की मात्रा को लगाएंगे तो आप क्या पड़ेंगे, खू की मात्रा लगती कैसी है ये, ओके। गा में आप ऊ की मात्रा को लगाने को क्या पड़ेंगे, गू। घा में ऊ की मात्रा को आप लगाएंगे तो क्या पड़ेंगे, गू, ओके। चा में आप ऊ की मात्रा को लगाएंगे तो क्या पड़ेंगे, चू, ओके। छा में आप ऊ की मात्रा को लगाएंगे तो क्या पड़ेंगे, चू, जो ओके। जब आप जा में ऊ की मात्रा को लगाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, जू, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको उच्चारण सीखना, ठीक है। हाँ में ऊ की मात्रा को लगाते हैं तो क्या बनता है, झू, ओके। ऐसे ही और भी शब्द करते हैं, जैसे ता में ऊ की मात्रा को लगाते हो तो क्या करते हो, तू। था में लगाओगे तो क्या करोगे, तू। दाम लगाओगे
की मात्रा को क्या करोगे टू फॉर्म लगाओगे तो क्या करोगे टू कक्षा में कैसे कर दिया तो टू वाव लगाओगे तो आप कैसे करोगे बू हाँ में लगाओगे तो कैसे करोगे बू माँ में लगाओगे तो आप कैसे करोगे मू या में लगाओगे तो कैसे उच्चारण करोगे यू रा में रू ला में लू वा में उसकी मात्रा बू शा में शू इसके बाद अब आप उच्चारण में जैसे शा में आप उसकी मात्रा को लगाते हो क्या बनाते हो ओके कौन वाला शायद उसकी मात्रा को आप बनाएंगे पढ़ेंगे शू शा में आप लगाते हैं तो क्या बनते हो शू ओके शक्ति में आप लगाओगे शू ठीक है ता में आप उसकी मात्रा को लगाओगे तो क्या पढ़ोगे शू क्या है ओके तो अब आपको उनकी मात्रा का जो है उच्चारण भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम स्वर की मात्रा को व्यंजन में लगाते हैं स्वर आप जानते हो ना स्वर क्या क्या है स्वर आपने जो पढ़े हैं स्वर में क्या है कि स्वर में आप पढ़ते हो आती शक्ति बनती आप जानते होंगे बच्चों को बहुत ही पसंद होता है पराठा भी उसका लगता है ना तो वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है ओके
बच्चों ड्राइंग करना भी एक कला होती है, तो सबके लिए करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी भी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, भी मैं कोशिश करती हूँ। ओके के बाद ओके तो आप तो आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इन चित्रों को देखकर
आपको चित्र देखकर जो है आपको बताना है कि उसमें आपके जो है क्या नाम है उनकी मात्रा का उसके स्वर में जो है उच्चारण भी तो आपके ये जो चित्र बने हुए हैं इन चित्रों को हम देखकर जो है उनकी मात्रा का उच्चारण भी करें। जैसे सबसे पहले तो आप इस चित्र को देखिए, ये कपड़ा इस चीज का चित्र है, ये है जो सुंदर निकलता है जो हमें जोशी मिलता है, उसको हम क्या करते हैं सूद्र, क्या करते हो सूद्र, यहाँ पर जो आप उच्चारण कर रहे हो उच्चारण जो है कैसे करते हो जोर से करते हो, कैसे सूद्र सूद्र। दूसरे नंबर पे है फूल, हम इसकी मात्रा फूल उच्चारण कर रहे हैं, क्या पढ़ते हो फूल फूल, ओके। फिर आप पढ़ते हो ये क्या है तरबूज तरबूज, ये क्या है फूल दान फूल दान, तराजू तराजू, ओके। झा की मात्रा यहाँ पर झूला झूला, द रू बनती है ना डमरू, ओके। इसके बाद ये क्या है चाकू, ऐसे ही हो जाता है चाकू, क्या होता है क्या बनता है ऐसे ही एक काजू भी बनता है, ओके। काजू खाया ना काजू, तो ऐसे ही आपको तो अब एक बार हम इनको लिखते भी जाते हैं और साथ साथ पढ़ते भी जाते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या है सूत्र, सू का है इसकी मात्रा शू द ज, क्या हुआ सूरज, ये क्या फूल का है इसकी मात्रा फूल फूल। इसके बाद जो है ये क्या है तरबूज, तरबूज तरबूज, ये क्या है बढ़ा भी कैसे मुकाबले लगती है शून्य।
में आएंगे। ओके तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले हम अपने नेक्स्ट क्लास में उनकी मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। ओके हैप्पी रक्षाबंधन।